नमस्कार, स्वागत है आपका आजमगढ़ के संक में। मैं हूं दीपिका। आइए सबसे पहले रुख करते हैं मुख्य गतिविधियों की ओर। दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी की हार को लेकर कांग्रेस की ओर से की जा रही बयानबाजी पर हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कांग्रेसी नेताओं को ऐसी बयानबाजी न करने की दी नसीहत। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के उस वक्तव्य जिसमें उन्होंने गाली गलौज की राजनीति बंद करने की नसीहत दी का स्वागत करते हुए कहा कि आज के राजनीतिक परिदृश्य में उनका ये वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें ये सलाह गृह मंत्री अमित शाह, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और सैकड़ों अन्य भाजपा नेताओं को देनी चाहिए, कहा कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता प्रेम कौशल ने। हमीरपुर के गांधी चौक पर जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। हाथों में तख्तियां लेकर जेबीटी यूनियन करे पुकार, हमें बर्बाद न करे सरकार जैसे नारे लगाकर बोटा चौक से गांधी चौक तक निकाली रैली। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बीड़ बगेड़ा में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम तंबाकू नशा मुक्त का आयोजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बैरी के सौजन्य से प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में किया गया आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर सुरेंद्र सिंह डोगरा ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत की।